Hi, Jai Mata Di. This is Kavita with the new dish. This is called Chatpata Bamgola. Yes, it's Chatpata Bamgola, very new. So let's start. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पाव. आप बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं, छोटी भी साइज़ की ले सकते हैं. हमने तो छोटी साइज़ की ली है. बेसन, बेसन के लिए नमक और लाल मिर्च, बॉयल आलू उसमें नमक, और उसके तड़के के लिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा, राई और थोड़ी सी हल्दी, और सेव, कांदा, टोमेटो, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी और चाट मसाला. अभी हम चालू करेंगे आलू से. बॉयल आलू में नमक डाल के उसके ऊपर तड़का लगा देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. फिर बेसन का बैटर बना लेना है. उसमें हमने नमक और लाल मिर्च डालनी है और उसे भी रेडी कर देना है. ये दोनों चीज़ों को रेडी कर देना है. इसके बाद हमने पाव ले लेनी है. पाव को कट करके उसमें हमने चटनी लगा देनी है और वो आलू का स्टफ़ उसमें भर देना है, और ऐसे सब पाव हमको रेडी कर देनी है. ये पाव रेडी हो जाने के बाद हमने इनको बेसन के बैटर में डिप करना है और उसे डीप फ्राई करना है. बेसन में डिप करके उसे डीप फ्राई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमने एक एक करके सब पाव को बेसन में डिप करके डीप फ्राई करके उसे एक ऑयल एब्जॉर्बन पेपर पे निकाल लेना है. उसको निकालने के बाद हम ऐसे भी खा सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा चटपटा जब हम बनाएंगे वैसे भी खा सकते हैं. ये आपको वड़ा पाव का टेस्ट देगा विद सम ट्विस्ट. सो इसे हमने निकाल के फिर इसको कट कर लेना है. सी देखिए कितना प्यारा लग रहा है. इसको कट करने के बाद इसके ऊपर हमने इमली की चटनी डालनी है और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है, और उसके ऊपर हमने कांदा टोमेटो, बारीक कांदा कटा हुआ टोमेटो वो डाल देना है, और ऊपर से सेव से डेकोरेट कर लेना है. ये आपका रेडी हो गया चटपटा बमगोला. सो ट्राई एंड मेक इट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट. थैंक यू. जय माता दी. वी विल बी बैक सून विद न्यू डिश. अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए. जैसे ही मेरी नवी डिश अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा. थैंक यू. ओके, मीट यू सून. जय माता दी. इंजॉय योर चटपटा बमगोला.